एक विधवा औरत थी। सरला अपने बेटे राहुल के साथ रहती थी। पनीर के पराठे बनाकर बेचा करती थी। संजू कोई भी काम नहीं करता था, उल्टा अपनी माँ की कमाई को यूं ही उड़ाता रहता था। जो एक तो पहले से ही कोई काम नहीं करता था, ऊपर से वो शिखा नाम की लड़की से प्यार कर बैठता है और उनसे शादी करने का वादा कर देता है। शिखा एक आलसी और बिगड़ेल लड़की थी। वो संजू से बार बार कोई ना कोई चीज़ की मांग करती ही रहती थी और संजू उसके पीछे पैसे बर्बाद कर रहा था। इन संजू अपनी माँ से शिखा के बारे में बताता है। तू खुद तो कोई काम करता नहीं है, ऊपर से तुझे अमीर लड़की से शादी करनी है, तुझ जैसे निकम्मे को कौन देगा अपनी बेटी। संजू अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनता है और शिखा से शादी करने की रट लगाए बैठा है। क्या था, संजू के इतना कहने के पर सरला भी मान जाती है। बाद शिखा और संजू की शादी भी हो जाती है। शिखा सरला को यानी कि अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो सरला की एक भी बात नहीं मानती थी। बहू, मैं पराठे के ठेले पर जा रही हूँ, तू भी मेरे साथ चलना। अब भी मेरी उम्र होने को आई है और मैं पूरा दिन खड़ी भी नहीं रह पाती हूँ। हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। कहीं पागल तो नहीं हो गई है? आपको पता भी है आप क्या कह रही है? वो सब काम आप जैसे गरीबों को अच्छे लगते हैं, हम जैसे लोगों को नहीं। धीरे धीरे संजू को भी अपनी माँ के खिलाफ भड़काने लगी थी। संजू भी शिखा की बातों में आ जाता है और अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। एक तो पहले से दोनों कोई काम नहीं करते थे, ऊपर से सरला की सारी कमाई बैठे बैठे खा रहे थे। अब हम लोगों को आपको साथ नहीं रहना है, हम लोग कहीं दूसरी जगह पर रहने के लिए चले जाएंगे। बेटा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? तेरे पिताजी तो हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं। अगर तू भी चला जाएगा तो मैं बुढ़ी किसके सहारे रहूंगी? सरला के बहुत समझाने पर भी वो दोनों नहीं मानते हैं। वो दोनों किराए पर एक मकान लेकर वहीं रहने के लिए आ जाते हैं। दूसरी तरफ सरला भी अपने पनीर के पराठे बेचकर अपनी कमाई के पैसे जमा कर रही थी। दो तीन महीने बीत जाने के बाद एक दिन मकान मालिक संजू के घर एक गुंडे जैसे आदमी को लेकर आता है। संजू कहाँ छिपकर बैठा है, चल बाहर आ। मकान मालिक के चिल्लाने पर संजू बाहर आता है। अरे संजू, 3 महीने हो गए हैं, अभी तक तूने मेरा किराया नहीं दिया है, चल मेरे पैसे ला। मालिक, मुझे 2-3 दिन का वक्त दे दीजिए, मैं आपके पैसे आपको दे दूंगा। मकान मालिक को पैसे ना मिलने पर वो संजू की जम के पिटाई करने लगता है और शिखा भी खड़ी खड़ी कुछ भी नहीं कर सकती है। संजू को मारकर संजू का बुरा हाल बना दिया था। किन तभी वहाँ संजू की माँ सरला आ जाती है। सरला अपनी मेहनत के सारे पैसे उस मकान मालिक को लौटा देती है और अपने बेटे को उससे बचा लेती है। देखकर संजू और शिखा अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। वो दोनों अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं और अपनी माँ के साथ फिर से अपने घर में रहने के लिए चले जाते हैं। वो तीनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। अब संजू भी अपनी माँ का पनीर पराठा का ठेला संभालने लगा था। संजू भी अपनी माँ की तरह बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाते थे, इसीलिए सारे लोग खाने के लिए आते भी थे। अब तो सरला की उम्र हो गई थी, इसीलिए वो अब घर पर ही आराम करती थी। घर के सारे काम अब सिखा कर देती थी और इसी तरह वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।